हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सिक्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली ये चैप्टर में पूरा है क्या, हमने जो अजम्पशंस लिए थे एचओ थ्योरी समझने के पहले, उसमें थोड़े बहुत अजम्पशंस ऐसे थे कि अगर उनको रिलैक्स किया जाए तो इफ़ेक्ट एचओ थ्योरी का रिलैक्स किया जाए। यानी हमने अजम्पशन लिया था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एक अजम्पशन था, अगर हम उसको रिलैक्स कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नहीं है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो क्या एचओ थ्योरी होल्ड करेगा? वैसे ही हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन अज्यूम किया था। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है तो क्या एचओ थ्योरी होल्ड करेगा? वैसे ही इस चैप्टर में वो अजम्पशंस लिए हैं जिनको रिजल्ट करने के बाद एचओ थ्योरी कैसे मॉडिफाई हो जाता है या एचओ थ्योरी इनवैलिडेट कर देता है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। कौन से ऐसे अजम्पशंस हैं जो रिलैक्स करने के बाद ये चीज़ें करते हैं? We have seen in chapter 5 that HO theory based comparative advantage on differences in factor endowment among nations. Theory, however, leaves a significant portion of today's international trade unexplained. In the chapter, we will fill this gap with some new contemporary trade theories which base a great deal of international trade flows on economies of scale, imperfect competition, and differences in development and the spread of new technology over time among nation. तो एच ओ थ्योरी जो है, इन रियलिटी अब भी जितनी भी ट्रेड हो रही है उनका ऑलमोस्ट सारा पोर्शन एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन सर्टन पोर्शन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो वो सर्टन पोर्शन जो है वो किस बेस पे ट्रेड डिपेंडेंट है, वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होना या डिफरेंसेस, इसके बेस पे ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है और बेनिफिशियल भी है। ये चीज़ें क्या हैं वो जैसे जैसे चैप्टर में उस पे एक्सप्लेनेशन आएगा तो मैं आपको समझाती जाऊँगी। सेक्शन 6.1, ओके, ये यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन किया क्या किस में है। हेक्स्टर-ओहलन मॉडल एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज। In this section, we relax the assumption of HO theory discussed in section 5.2. We will see that relaxing the assumption does not affect the validity of basic HO model, but points to the need for new contemporary trade theories to explain the significant portion of international trade that HO theory leaves unexplained. तो अगर हम relax कर रहे हैं तो HO theory reject नहीं हो जाता, लेकिन certain portion हैं जो वो explain नहीं कर पा रहा है, reason या base, तो वो ये न्यू कंटेम्प्रेरी ट्रेड थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही हैं। रिलैक्सिंग द फर्स्ट अजम्पशन, क्या था फर्स्ट अजम्पशन? 2x2x2 मॉडल। तो अगर हम उनको रिलैक्स करते हैं, मोर देन टू फैक्टर ले रहे हैं, मोर देन टू नेशन, मोर देन टू कमोडिटीज़ ले रहे हैं, वाइल सर्टेनली कॉम्प्लिकेटिंग द एनालिसिस लीव्स एचओ मॉडल बेसिकली वैलिड as long as the number of commodity is equal to the larger than equal to or larger than the number of factors. तो अगर हम उसको रिलैक्स करते हैं, ये तीनों चीज़ें 2x2x2 ना लेके ग्रेटर देन 2 भी कर देते हैं, मोर देन 2 भी कर देते हैं तीनों चीज़ें, तो भी एच ओ थियोरी वैलिड होगी तब तक जब तक नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जितने हैं, जैसे एक्स एंड वाई हमारे नंबर ऑफ कमोडिटीज़ थे, तो नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ जितने हैं वो इक्वल है या उनसे लार्जर है, लार्जर देन व्हाट? नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, जो इनपुट हमारे एल बाय के थे, हमारे केस में 2 इक्वल टू 2 थे, लेकिन रियलिटी में अगर आप मोर देन 2 ले रहे हो तो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो है या तो वो इक्वल होने चाहिए या तो ग्रेटर देन होने चाहिए, किसके? नंबर ऑफ फैक्टर्स के या इनपुट के। One complication that arises in dealing with more than two factor is that we can no longer classify a commodity simply as L or K intensive, but will require the construction of factor intensity index to predict the pattern of trade. एक
प्रॉब्लम ये आती है कि हम उनको लेबर इंटेंसिव पर्टिकुलरली एंड कैपिटल इंटेंसिव पर्टिकुलरली हम नहीं कह पाएंगे। उस केस में हमें फैक्टर इंटेंसिटी इंडेक्स कंसिडर करना पड़ेगा। दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स बट स्टिल बी पॉसिबल। ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन कर सकते हैं। द सेकेंड अजम्पशन ऑफ एचओ थियोरी, बोथ नेशन यूज सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, इज नॉट जनरली वैलिड। दैट इज, नेशंस ऑफन डू यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन रियल वर्ल्ड। However, technology can be regarded as factor of production and as such, trade based on given technological differences among nation could be viewed as falling within the realm of HO theory. Trade based on changes in the technology over time among nations is different matter. However, these are explained by technological gap and product cycle model. While these models could be regarded as dynamic extensions of HO model, they are in fact different and are discussed in section 6.5. The second assumption था technology दोनों countries में same है। reality में technology same नहीं होती है, दो countries में technology different होती है। technology को हम एक तरीके का factor of production input भी मान सकते हैं। अगर technology development हो रही है या technology के basis पे अगर आप trade कर रहे हो तो वो चीज़ HO theory ने explain नहीं की है, तो वो चीज़ टेक्नोलॉजिकल गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल मॉडल एक्सप्लेन करेगा जो कि सेक्शन 6.5 में है। थर्ड अजम्पशन, याद रखिए कि ये भी टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है, यानी टेक्नोलॉजी के वजह से एचओ थ्योरी होल्ड करती है लेकिन थोड़ा चेंज आ जाता है, डायनामिक एक्सटेंशन हो जाता है एचओ थ्योरी का। द थर्ड अजम्पशन दैट कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव वाइल commodity Y is capital intensive commodity in both nation implies the absence of factor intensity reversal. वही चीज़ हमने देखी, अगर X labor intensive है, Y capital intensive है दोनों nation में, तो factor intensity reversal nullify हो जाएगा। As pointed out in section 5.6c, factor intensity reversal would lead to rejection of HO model. Empirical study, however, indicate factor intensity reversal is not very common in real world. It seems that Leontief paradox could be eliminated by the inclusion of human capital, the exclusion of commodities intensive in natural resources and comparing their meaning. Wahi cheez ki ek extension hai, ek exception hai, fact agar exist karta hai factor intensity reversal to wo hum log ne already dekh liya hai. While HO theory assumed constant returns to scale, international trade can also be based on increasing returns to scale. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। मैंने कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप इनपुट को डबल कर देते हो, इनटू टू कर देते हो, तो आपको आउटपुट भी इनटू टू हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, आप इनपुट जो यूज़ कर रहे थे से वो 10 यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, आउटपुट 10 यूनिट्स यूज़ करके आउटपुट जो मिल रहा था वो 40 आउटपुट मिल रहा था, यानी 40 कमोडिटीज़ बन रहे थे। अगर आप इसको डबल कर देते हो, यानी 20 अब इनपुट यूज़ कर रहे हो, तो ये भी डबल हो जाएगा, विच इज़ 80 यूनिट्स बन के मिलेगा। दिस इज़ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। अब मैं इसी में अगर चेंजेस करूँ थोड़ा, कि आपने इनपुट डबल कर दिया, 20 कर दिया, लेकिन जो आउटपुट है वो अब 120 हो जाता है, मीनिंग मोर देन डबल हो जा रहा है, या से फॉर इंस्टेंस 100 हो जा रहा है, सो 80 से भी ज़्यादा है, मोर देन डबल है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि इनपुट आप डबल कर रहे हो लेकिन आउटपुट मोर देन डबल हो रहा है। तो उस बेसिस पे हमने कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के बेसिस पे एचओ थ्योरी एक्सप्लेन की, लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बेसिस पे भी एचओ थ्योरी एक्सप्लेन की जा रही है, की सकती है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी रिगार्डेड एज कम्प्लीमेंट्री टू एचओ थ्योरी एंड दैट दे ट्राई टू एक्सप्लेन अ पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नॉट कवर्ड बाय बेसिक एचओ थ्योरी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज अ बेसिस फॉर ट्रेड आर एग्जामिन्ड इन सेक्शन 6.2। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो ये है कि इनपुट्स को आप डबल कर रहे हो, आउटपुट उससे मोर देन डबल हो रहा है, तो वो कब आता है? वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होता है ना, तब आता है। क्या है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब हम वो पोर्शन करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उस ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उसके बेसिस पे भी ट्रेड हो सकता है, और वो किस तरीके का ट्रेड है?
वो हम देखेंगे. फिफ्थ अजम्पशन ऑफ एच ओ मॉडल वॉज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन बोथ नेशन. इफ ट्रेड ब्रिंग्स अबाउट कम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इन वन ऑफ द नेशन, रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस विल बी इक्वलाइज बट फैक्टर प्राइसेस विल नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द फिगर 5.8 अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल टू नेशन वन इज सो मच लेस देन पॉइंट बी, एट विच फैक्टर प्राइसेस वुड बी इक्वलाइज इन टू नेशंस, इट्स आउटसाइड द एडवर्ड बॉक्स फॉर नेशन वन एंड देयरफॉर अनअटेनेबल. फैक्टर प्राइस विल नॉट बी इक्वलाइज इन टू नेशंस इवन दो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस आर. सो अगर फिफ्थ अजम्पशन कम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो भी जाता है, तो कम्प्लीट स्पेशलाइजेशन अगर होगा तो जो फैक्टर प्राइस है वो तो इक्वल हो जाएंगे. सॉरी, मीनिंग द रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, नॉट फैक्टर प्राइस. रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी PX/PY जो है वो दोनों नेशन में इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो इक्वल नहीं हो पाएंगे. ये वो कहना चाह रहे हैं. अजम्पशन 6 ऑन इक्वल टेस्ट हैज़ बीन मोर और लेस वेरीफाइड एम्पेरिकली. Tastes are certainly not sufficiently different across nation to overcome differences in relative physical availability of factor of production in explaining different relative commodity prices and trade among nation. Taste differ ज़्यादा नहीं करता, almost similar होता है, तो वो उससे कुछ affect नहीं होगा. वो explain जो है ट्रेड पे या प्राइसेस पे वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. रिलैक्सिंग अजम्पशन 7 ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट इज़ मोर ट्रबलसम. इट सीम्स दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ट्रेड इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अमंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, विच डज नॉट सीम एज ईजीली रिकनसाइलेबल विद एच ओ फैक्टर एंडाउमेंट मॉडल. सच इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज एक्सप्लेन इन सेक्शन 6.4. तो जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन से इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट में, तो क्या होता है उस सिचुएशन में. काफ़ी ऐसे रियलिटी में हमने सिचुएशन देखी है जहाँ पे एक ही इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है, एक ही इंडस्ट्री में डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो वो सिचुएशन, वो भी एक बेसिस हो सकता है ट्रेड का. वो सेक्शन 6.4 में एक्सप्लेन किया है, तब हम देखेंगे. रिलैक्सिंग अजम्पशन 8 ऑफ नो इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी मॉडिफाइज बट डज नॉट इनवैलिडेट एच ओ मॉडल. सो अगर हम इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी नहीं है, वो हमने वहाँ पे अज्यूम किया था, बट अगर हम उसको भी रिलैक्स कर दें कि इंटरनेशनल मोबिलिटी भी है, कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी लेबर एंड कैपिटल मोबाइल हैं, तो एच ओ थ्योरी पूरा इनवैलिडेट नहीं हो जाता है, वो स्टिल वैलिड रहेगा लेकिन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा. एज पॉइंटेड आउट इन सेक्शन 5.5A, इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ रिलेटिव कमोडिटी एंड फैक्टर प्राइसेस अमंग नेशन. विथ सम बट लेस देन परफेक्ट इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी, the volume of trade required to bring about relative commodity and factor price equalization would be less. This modifies the basic HO but not does not validate. हमने ये पहले ही देख लिया है कि अगर less than perfect है, perfect factor mobility ना हो कि less than perfect factor immobility है, तो भी HO theory hold करेगा, differences खाली कम हो जाएंगे. Meaning relative commodity price जो है उसमें जो डिफरेंस है, वो जितना क्वांटिटी चाहिए था कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इक्वल हो जाए, वो अब कम चाहिए रहेगा कि रिलेटिव कमोडिटी इक्वलाइज हो जाए, जल्दी हो जाएगा. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर नॉन प्रोहिबिटिव ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस द वॉल्यूम एंड बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बट दे ओनली मॉडिफाई द एच ओ थियोरम एंड फैक्टर प्राइस फैक्टर इक्वलाइजेशन थियोरम. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आर डिस्कस. तो अगर हम रिलैक्स करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है, टैरिफ है, कोटाज हैं, तो अगर वो इम्पोज होते हैं तो वो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम कर देते हैं, एच ओ थियोरी को पूरा तरीके से इनवैलिडेट नहीं करते, और वो चीज़ हमने
6.6 में हम देखेंगे. विथ रिसोर्सेज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, अजम्पशन 10, जो अजम्पशन था कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज. अ पोटेंशियल कंपैरेटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज माइट नॉट शो थ्रू और एमर्ज. एचओ थ्योरी वुड देन इनकरेक्टली प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ डेट. हाउएवर, असाइड फ्रॉम टेम्पररी इकोनॉमिक रिसेशन एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग जॉब. द फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन इज फॉर द मोस्ट पार्ट सैटिस्फाइड एट लीस्ट इन इंडस्ट्रियल कंट्री. तो जो अजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो या फुल यूटिलाइजेशन हो, तो अगर हम उसको भी रिलैक्स कर देते हैं या अन यूटिलाइज कर देते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इतना ज़्यादा ऑब्वियसली एचओ थ्योरी जो है वो इनकरेक्टली देन प्रिडिक्ट करेगा पैटर्न ऑफ ट्रेड को, अगर हम अनयूटिलाइज कह रहे हैं तो. पर एक चीज़ वो होती है कि आप ये भी देखो कि अनयूटिलाइज क्यों है. मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ अदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सारी रीजन भी है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हो, तो इट मे रिक्वायर 3 to 4 months कि आप एक जॉब से निकल चुके हो, आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप वो 3 महीने तक आपको काम नहीं था, 3 महीने बाद आपको जॉब मिली, तो जो बीच का पोर्शन है 3 महीना जो आपको जॉब नहीं थी, दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो वो रीजंस क्या है अंडर यूटिलाइजेशन के. द फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट सैटिस्फाइड. तो मोस्टली सैटिस्फाइड होंगे सर्टन सिचुएशन में, जैसे रिसेशन है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस सिचुएशन में एचओ थ्योरी पैटर्न ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. रिलैक्सिंग अजम्पशन 11 दैट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग नेशन इज़ बैलेंस्ड, यानी एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट, could lead a nation with trade deficit to import some commodities in which it would have comparative advantage and it would in fact export with balanced trade. अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस्ड है, यानी एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट है, तो अगर कोई भी नेशन में डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट यानी इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, आप जो इम्पोर्ट कर रहे हो उसका पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो लेकिन एक्सपोर्ट करके आपको पेमेंट उतना मिल नहीं रहा है, तो अगर ट्रेड डेफिसिट है तो द इंटरनेशनल ट्रेड अमंग नेशन इज़ बैलेंस कुड लीड अ नेशन विद ट्रेड डेफिसिट टू इम्पोर्ट सम कमोडिटीज़ इन विच इट वुड हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड इट वुड इन फैक्ट एक्सपोर्ट विद बैलेंस ट्रेड. तो वो इस सिचुएशन में अगर वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, मीनिंग वो कंपैरेटिव एडवांटेज जितना है जिस कमोडिटी में है कंपैरेटिव एडवांटेज, वो कमोडिटी वो इम्पोर्ट कर रहा है एंड वो एक्सपोर्ट करेगा बैलेंस ट्रेड में. सिंस मोस्ट ट्रेड इम्बैलेंसेस आर जनरली नॉट वेरी लार्ज इन रिलेशन टू GNP, द चार्ज दैट एचओ मॉडल माइट बी अनेबल टू करेक्टली प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ ट्रेड इज़ ट्रू only for those commodities in which nation has only a very small comparative advantage. जो ये भी deficit या surplus है या imbalance जो है वो GNP का इतना ज़्यादा portion नहीं है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता. but एक situation है कि जहाँ पर commodities trade कर रहे हैं जिसमें बहुत comparative advantage कम है, उस commodities में trade कर रहे हैं, तो अच्छा theory उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. इन कंक्लूजन, रिलैक्सिंग, हमने सारे अजम्पशन रिलैक्स करके देखे, इवेंचुअली कौन सा ऐसा अजम्पशन है जो ज़्यादा मॉडिफिकेशन बता रहा है कि एचओ थ्योरी में होना चाहिए. सो इन कंक्लूजन, रिलैक्सिंग मोस्ट ऑफ द अजम्पशन ऑफ एचओ थ्योरी ओनली मॉडिफाइज बट डज नॉट इनवैलिडेट द थ्योरी. तो मोस्ट ऑफ द अजम्पशंस जो हैं वो सिर्फ मॉडिफाई करते हैं, इनवैलिडेट नहीं करते हैं. Relaxing the assumption of constant economies of scale and perfect competition, however, requires a new contemporary trade theory to explain the significant portion of international trade that HO theory leaves unexplained. लेकिन जो एक चीज, एक तो ऐसी थियोरीज हैं जो अगर हम रिलैक्स करते हैं तो वो मॉडिफाई नहीं करते, लेकिन एक नई थियोरी देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए सर्टेन पोर्शन जो HO theory को एक्सप्लेन नहीं कर पाया.
सो वो अजम्पशन कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. दूसरी इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ओवर टाइम अमंग नेशन एंड कॉल्स फॉर न्यू ट्रेड थियोरीज. तो ये सारी जो हैं अजम्पशंस, अगर हम उसको रिलैक्स करते हैं तो न्यू ट्रेड थियोरीज हाँ बन के मिलती है, इनवैलिडेट नहीं करती, सिर्फ वो पोर्शन एक्सप्लेन कर रही हैं एचओ थियोरी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड यस कीप स्टडिंग. थैंक यू.